एक साथ प्लेग्राउंड के सीजन 3 में नजर आएंगे एल्विश और अभिषेक। क्या दिखेगा इस बार भी दोनों का भाईचारा? वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान को बिग बॉस के OTT के सीजन 2 में देखा गया था। इस शो में इन दोनों के भाईचारे को खूब पसंद किया गया था। शो के अंदर अभिषेक मल्हान एल्विश को एक छोटे भाई की तरह बात करते, समझाते, हर चीज के लिए नजर आते थे। वहीं एल्विश यादव भी शो पर अभिषेक के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे थे। शो खत्म होने के बाद इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग नजर नहीं आई और उल्टा एल्विश यादव ने अभिषेक पे इल्जाम लगा दिया कि अभिषेक ने उनकी नेगेटिव PR करवाई है। अभिषेक भी बार बार ये कहते नजर आए कि नहीं, उन्होंने ऐसी कोई PR पब्लिसिटी, नेगेटिव PR कुछ भी नहीं कराया है एल्विश के खिलाफ, बस उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसके बाद इन दोनों की मुलाकात टेम्पटेशन आइलैंड के दौरान हुई थी। उस वक्त इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर भी कर लिया था। अब हाल ही में एक इंटरव्यू पर एल्विश ने अभिषेक को लेकर बात की, जब उनसे पूछा गया कि अभिषेक मल्हान भी इस शो में क्या नजर आने वाले, तो इस पर एल्विश ने कहा कि हाँ, वो भी शो में आने वाले हैं नज़र। अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई पर ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि वो अभी अपने एक शूट में बिजी है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप दोनों का ये रियूनियन टेम्पटेशन आइलैंड के बाद हुआ है, तो इस पर एल्विश ने कहा कि हाँ, हम लास्ट टेम्पटेशन आइलैंड के शूट पे मिले थे और उस वक्त हम दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था और अब ये उसके बाद का ही हमारा रियूनियन हो रहा है और जल्द ही मैं और अभिषेक एक साथ शूट भी करते नजर आएंगे। वेल, अभिषेक और एल्विश के फैंस इससे बेहद एक्साइटेड हैं कि बिग बॉस और टेम्पटेशन आइलैंड के बाद अब फिर से एल्विश और अभिषेक को इस शो में देखा जा सकता है। फिलहाल तो काफ़ी सारे डायमेंशन, काफ़ी सारे इक्वेशन दोनों के बीच में चेंज हो गई है। मनीषा को लेकर भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है और जैसा कि सभी जानते हैं कि मनीषा अभिषेक की काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, तो अब देखना दिलचस्प होगा क्या एल्विश का बॉन्ड अभिषेक के साथ वैसा ही नज़र आता है, क्या दोनों के बीच भाईचारा नज़र आएगा या फिर दोनों एक दूसरे से खफा खफा दिखेंगे, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। फिलहाल क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर, हमें कॉमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएँ।